बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपद में हम ओम साई राम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि। आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर, एक और नया वीडियो लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि ये जो अक्टूबर का मंथ आने वाला है, आखिर क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में, क्या कुछ मिलने वाला है आपको, क्या कुछ मैसेजेस मदर यूनिवर्स आपको देना चाहती हैं, क्या कुछ आपके एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं, तो वो सब कुछ हम देखेंगे। आपके लिए जो गाइडेंस होगा वो भी देखेंगे, और मैं आज मंत्रास भी देखने वाली हूँ और स्टोन्स तो मैं देखूँगी ही देखूँगी, काफ़ी कुछ है। और ये रीडिंग शायद थोड़ा लंबा हो जाए, बट मुझे लगा कि अगर बात ब्लेसिंग्स की है तो रीडिंग अगर लंबा हो भी जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, सो गाइस, क्योंकि ये जो रीडिंग है राशियों के आधार पर है, आपने जैसा कि थंबनेल में देखा होगा सभी राशियों की ये रीडिंग होगी। लेकिन उसके बाद भी मैं कहना चाहूँगी कि भाई यहाँ पर ना है तो ये जनरल रीडिंग ही, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर सपोज़ मैं फायर साइन का रीडिंग करती हूँ तो सारी ही बातें आपसे रेजोनेट होंगी, क्योंकि फायर साइन में कई सारे लोग आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं यूनिवर्स से जो मैसेजेस मांग रही हूँ वो सभी के लिए हो। हो सकता है कि किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है, तो डिपेंड करता है, यू नो। तो अगर नहीं रेजोनेट करता है तो कोई बात नहीं है, जाने दीजिएगा। मदर यूनिवर्स को थैंक्स कहिए और खुश रहिए, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया है, फिर से बताना चाहूँगी कि अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं करती, इसका मतलब है कि अभी हाल फिलहाल में आपके लिए कोई गाइडेंस नहीं है। कोई गाइडेंस होता तो मदर यूनिवर्स आपको ज़रूर दे देती, ठीक है। गाइडेंस ना होने के दो रीज़न्स होते हैं, या तो आपकी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है, या फिर आप सही रास्ते पर हैं। अब इन दोनों चीज़ों में ही आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सही रास्ते पर हैं तो कुछ करने की बात भी नहीं है, क्योंकि जिधर जा रहे हो सही जा रहे हो, उसमें क्या चेंजेस लाओगे। और अगर डिवाइन टाइमिंग की मैं बात करूँ तो जो चीज़ जब होनी है तभी होगी, तो उससे पहले अगर आप हाथ पैर मार भी लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, सिवाय आपको स्ट्रेस होगा और आपकी हेल्थ ख़राब होगी, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ होने से रहा। सो ये रीजंस होते हैं, तो जो भी है उसके लिए थैंक्स कहना है। अगर 50% भी करता है तो बहुत अच्छी बात है, जो गाइडेंस है उसको लीजिएगा और थैंक्स कहें यूनिवर्स को। हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करें, जितना ग्रेटिट्यूड फील करोगे उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। और अगर पूरा रीडिंग रेजोनेट हो जाता है तब तो है ही बल्ले बल्ले, ठीक है। इसके बाद गाइज मैं बताना चाहूँगी कि ये जनरलिस्ट रीडिंग है, तो ऐसा नहीं है कि मेल कैटेगरी के लोग या फीमेल कैटेगरी के लोग ही देख सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ यही कैटेगरी देख सकती, ये वाली नहीं, सभी लोग देख सकते हैं, सभी के लिए ये रीडिंग है। और सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि 709 टैरट फैमिली जो हमारी है, ये एक ऐसी फैमिली है जहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता गाइस। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, किचन में खाना बन रहा है और कुकर की आवाज़ आ रही होगी। ओके, सो यही कहना चाहती थी, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं मुझे, पूछते हैं कि भाई हम इस जाति के हैं या इस धर्म के हैं तो देख सकते हैं या फिर नहीं देख सकते। बिल्कुल देख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल देख सकते हो, ये फैमिली सभी के लिए है। हमारा जो धर्म है, मेरा यानी कि सुरभि का और जो 709 टैरट फैमिली के मेम्बर्स हैं सभी का धर्म है ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस, ठीक है। इसके अलावा हम और सारी बातों पर बिलीव नहीं करते हैं, और हम हीलर्स हैं। इस फैमिली के जो भी मेम्बर्स हैं वो हीलर्स ही हैं, खुद को हील करते हैं फिर धीरे धीरे दूसरों को भी हील करना शुरू कर देते हैं, गाइड करना शुरू कर देते हैं। तो इन सारी बातों में बिलीव नहीं रहता कि कौन सा धर्म है, कौन सा जाति है, इंसान हो। और जो तकलीफ़ें हैं वो ये देखकर नहीं आती कि आप किस धर्म या जाति के हो, ठीक है। तो हमारा काम है सबको हील करना, वो हम करते हैं, धर्म या जाति का क्या करेंगे। सो ये मुझे कहना था, और अब चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ आता है। सो या ऑल द बेस्ट। हाय फायर साइन, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ यहाँ पर उन लोगों के लिए जो फायर साइन में आते हैं, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, उनके लिए मैं देखूंगी कि क्या कुछ ब्लेसिंग्स हैं और क्या कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं।
पॉजिटिव रहें, घबराएं बिल्कुल भी नहीं, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है, सब कुछ अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। और अगर कुछ ऐसा कार्ड्स में आता है जो देखने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे, थोड़ा सा टफ़ लगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी के लिए मैं सॉल्यूशन यहाँ पर बताऊँगी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं गाइडेंस दूंगी, आपको मंत्रास दूंगी, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कम से कम जब तक मैं हूँ तब तक नहीं। और मेरा तो उद्देश्य ही यही है कि मैं आपको इतना मज़बूत बना दूँ कि अगर मैं कल को नहीं भी हूँ तब भी आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आप उनको अकेले हैंडल कर सकें, आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। तो देखते हैं ये कार्ड्स क्या हैं और फिर बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे हम यहाँ से। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है हैंगमैन का, ओके। उसके बाद है यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्स, एम्प्रेस, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर। वेरी नाइस। ओके, मैं कुछ कार्ड्स और देखूंगी। सो, यहाँ से देखने वाली हूँ ओशो ज़ेन कार्ड्स। एक क्लियर मैसेज आता है यहाँ से, तो मैं इसको बिल्कुल भी स्किप करना नहीं चाहती थी। ये कार्ड्स नो नथिंगनेस आपके लिए आया है, ये मेरा फेवरेट कार्ड है। अभी आप देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे इसमें क्या है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी। ओके, मैच्योरिटी, वेरी नाइस, थंडरबोल्ट, बॉटम ऑफ द डेक क्या है, अंडरस्टैंडिंग। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस, मैं कैमरा थोड़ा ठीक करूं। ओके, अभी स्पेस है ना, और देखते हैं क्या आता है आपके लिए। डोटो स्पिरिट, पता नहीं मुझे क्यों ऐसे लग रहा था कि यही वाला कार्ड आएगा। द वर्ल्ड, एप्रिसिएशन, यानी कि पास्ट और प्रेजेंट, मतलब पास्ट का अगर टाइम ले लूँ तो भी बहुत अच्छा मुझे नहीं दिखता, और प्रेजेंट टाइम भी बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ फ्यूचर सुंदर है। यहाँ से देखते हैं, ओके, एंड यहाँ पर क्या है, परफेक्शन। ओके, एंड एक कार्ड में यहाँ से लूँगी और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, फिर आगे के कार्ड्स आगे देखेंगे। डायरेक्शन गार्जियन, चूज योर पाथ, ओके, हाई प्रेस्ड, ऑल राइट, एक्शन लेने की देरी है बस, ठीक है। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना गाइस, ओके, मुझे थोड़ा समय दो ताकि मैं इनको अच्छे से समझ सकूं, इनकी एनर्जी बेहतर तरीके से निकाल सकूं और फिर आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि मुझे कार्ड रीडिंग इस तरीके से करना अच्छा लगता है जैसे मैं एक बुक पढ़ रही हूं, ओके, तो मुझे थोड़ा समझना है ताकि आपको मैं बेहतर तरीके से समझा पाऊं, वही एक बेहतर गाइडेंस होगा, है ना। सो या, जस्ट अ मिनट, ओके गाइस, सो सी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो स्टक हैं किसी सिचुएशन में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ की बात करूँ, तो कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है आपकी लाइफ में जिसको लेकर आपको पता है कि वो आपको चीट कर रहा है या कर रही है, ठीक है, आपके लिए उनकी इंटेंशन
अच्छी नहीं है या फिर वो नहीं चाहते कि आप ग्रो करो, कुछ भी ऐसा है, कोई ज़रूर एक ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जिसको लेकर आपकी सोच ऐसी है, सोच नहीं है ये सच्चाई है और आपको पता है, लेकिन उसके बाद भी आप उसको छोड़ नहीं पा रहे, ठीक है, स्टक हो, अभी भी आपको ये लग रहा है कि ये सुधर जाएगा या सुधर जाएगी, कल ठीक हो जाएगा, कल को कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। आपके सामने मौके ऐसे कई आते हैं, आपको साइंस भी मिलते हैं जिनके ज़रिए आपको बताया जाता है कि मूव ऑन, डोंट वेट फॉर दिस गाय और गर्ल, ठीक है, जो भी है, बट आप उन साइंस को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हो और आपको ये लगता है कि जैसे कि मैं कहती हूँ ना कि मैनिफेस्टेशन करो, मैनिफेस्टेशन से सब कुछ चेंज हो सकता है, तो वो वाली सोच कह लो या फिर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे ये कह लो, ठीक है। कोई ऐसा ज़रूर है जिसके लिए आपको या तो प्यार बहुत ज़्यादा है या फिर एडिक्शन सा हो गया है, ऑब्सेशन सा हो गया है कि आप उसको छोड़ नहीं पा रहे, ठीक है, ऐसा कोई ज़रूर है। अब मैं ये नहीं कह रही कि ये कोई पार्टनर है आपका, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपकी दोस्त भी हो सकती हैं, ठीक है, फैमिली में कोई हो सकता है, आपका खुद का बेबी हो सकता है जो कि उल्टे सीधे काम करे जा रहा है लेकिन आप उसको सबक नहीं सिखा पा रहे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मोह में हो। ओके, सो जिसके भी साथ हो गाइस, मैं थोड़ा कैमरा ठीक किया है, ठीक है, जिसके भी साथ में मोह की बात हो लेकिन है, बहुत ज़्यादा मोह है आपको और उससे आप छूट नहीं पा रहे। अब अगर मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो वहाँ पर भी मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है कोई जॉब आप करते हैं और आपको पता है कि उस जॉब में आप खुश नहीं हैं, या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आप खुश नहीं हैं लेकिन फिर भी उसको छोड़ नहीं रहे क्योंकि आपको ऐसे लगता है ये नहीं तो कुछ नहीं। अब चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, कुछ ना कुछ है ज़रूर, किसी में अटके हो जिसको लेकर आपको आपको पता है कि ये यहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं हैं और आपके लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है लेकिन फिर भी आप छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि आगे आपको फ्यूचर कुछ नज़र नहीं आ रहा, आपको ये लग रहा है रहना है तो इसी में रहना है और अगर ये नहीं मिला तो फिर पता नहीं क्या होगा, कोई डायरेक्शन है ही नहीं आगे, ठीक है। बट आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि जिन चीज़ों को आप पकड़ कर बैठे हो जो काफ़ी टॉक्सिक हैं आपके लिए, आपको पता है कि वो आपके लिए सही नहीं है और फिर भी आप उनसे जुड़े हुए हो, खुद ब खुद वो चीज़ें आपकी लाइफ से बाहर जाएंगी, खुद ब खुद वो चीज़ें ख़त्म होंगी और जैसे ही वो चीज़ें ख़त्म होंगी वैसे ही अबंडेंस आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी। और ये होगा कैसे, ये ऐसे होगा कि आपको करना होगा कुछ थोड़ा सा प्रयास। सबसे पहले आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल करना है, ठीक है, ग्रैटिट्यूड जर्नल का एक तरीके का मैनिफेस्टेशन है, यूट्यूब पर जाओ और इसके बारे में देखना, ऑलराइट। ग्रैटिट्यूड जर्नल में क्या करते हैं, अगर यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं मिल रहा है तो मेरे चैनल पर ही वीडियो है मैनिफेस्टेशन की, 3 टेक्निक्स मैंने बताई हुई हैं, उनमें जाकर देखना मिल जाएगा। ग्रैटिट्यूड जर्नल में ये होता है कि अभी तक आपको जो भी मिला है उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है, अपनी डायरी में लिखना है हर दिन सोने से पहले, ठीक है। ये चीज़ जैसे ही करोगे वैसे ही अपने में चेंजेस देखना शुरू कर दोगे, ऑलराइट। और वैसे ही जो भी टॉक्सिक कनेक्शन है या कुछ भी कुछ है टॉक्सिक सा तो वो आपकी लाइफ से खुद ब खुद बड़े ही आराम से बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर एक ये कंडीशन भी हो सकती है कि जब वो बाहर निकले तो आपको अच्छा ना लगे क्योंकि मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं आप, बहुत ही ज़्यादा, जैसे नहीं ऐसे जकड़ कर रखा हो, जैसे किसी को लत नहीं लग जाती, एडिक्शन हो जाता है लाइक कुछ लोगों को ड्रिंक करने का, कॉफ़ी या अल्कोहल या फिर स्मोकिंग का, ठीक है, तो पता होता है कि हमारे लिए नुकसानदेह है, ये हमारे शरीर को ख़राब करेगा, ठीक है, मेंटली फिजिकली हमें तकलीफ़ देगा लेकिन उसके बाद भी हम उसको लेते हैं, इनटेक करते हैं उसका। आपके साथ में भी वैसा ही है, ठीक है, आपको पता है कि ये अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी आपने पकड़ कर रखा है, बट यूनिवर्स तो नहीं चाहती ना कि आप खुद के साथ गलत करो क्योंकि कहीं ना कहीं या तो आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है या होने वाली है। जहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोगों का ध्यान केंद्रित नहीं होता होगा, मेडिटेशन करते होंगे तो वो ठीक से नहीं होता होगा, ओके। कई लोगों को यहाँ पर हो सकता है सिर में दर्द होता हो, ठीक है, डिजीनेस सा होता हो,
पैरों से कमर से नीचे का जो हिस्सा है, हो सकता है वहाँ पर तकलीफ हो, ठीक है, हो सकता है इस तरीके की चीज़ें हों आप लोगों को। और कहीं ना कहीं ये सब कुछ ना आपकी एन्जाइटी से जुड़ा हुआ है, ये जो आप छोड़ नहीं रहे ना इन चीज़ों को, उसकी वजह से। अब ये जो भी एडिक्शन हो, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन है, आप बहुत ज़्यादा उसके घेरे में आ गए हो, कब्जे में, जैसे हम नहीं कहते, आ गए हो, और आप निकल भी नहीं पा रहे, और कहीं ना कहीं आपका दिल तैयार भी नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब एक पल को तो आपको लगता है कि हाँ मुझे निकलना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे खुश रहना है, लेकिन दूसरे ही पल आपको लगता है कि इसी में खुशी है, ये जो है ये इसमें सुधार हो जाए, मुझे कुछ दूसरा नहीं चाहिए, इसी में सुधार हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। और समटाइम्स ऐसा होता भी है, तो उसके साथ में ब्रेक लगने के बाद, जैसे आप अगर किसी कनेक्शन में हो, ठीक है, तो जब तक आपका सेपरेशन उससे नहीं होगा तब तक इन चीज़ों में सुधार नहीं आएगा, लेकिन सेपरेशन आप चाहते नहीं हो, ठीक है, आपको लग रहा है नहीं सेपरेशन हो गया तो हम कैसे जी पाएंगे, लेकिन सोल्यूशन वहीं पर है। जब तक सेपरेशन होगा नहीं तब तक ना आप संभलोगे ना सामने वाला आपकी वैल्यू को समझेगा। संभलने और समझने के लिए समटाइम्स सेपरेशन ज़रूरी होता है, ओके। वैसे ही अगर मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो वहाँ पर भी ब्रेक लगना समटाइम्स ज़रूरी होता है, और वो आप चाहते नहीं हो क्योंकि आपको लगता है ये रुक गया तो सब रुक गया, ओके। कोई एक ऐसी विश है जिसको आप किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहते हो, जबकि आपको पता है कि वो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो यूनिवर्स खुद ये करवाएगी, एक टावर मोमेंट लेकर आएगी, जो भी होगा, जो भी टॉक्सिक होगा वो आपसे दूर होगा, और उसके बाद आपकी हीलिंग होगी। हीलिंग के लिए एक तो आप ग्रेटिट्यूड जर्नल करोगे, दूसरा खुद स्पिरिट्स आपके आसपास हैं ही, वो आपको हील करेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मोनास्ट्री में जाएं या फिर कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद धीरे 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 करके जो अबंडेंस सच में आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो आप रिसीव करना शुरू करोगे। शून्य से शुरू होंगी चीज़ें, इसीलिए यहाँ पर ये नो नथिंगनेस का कार्ड आपके लिए आया था। और ये कार्ड जो है कहीं ना कहीं ये एनर्जी भी देता है मुझे कि जब कुछ है ही नहीं तो किसके लिए परेशान हो रहे हो, समझ आया? शून्य से शुरू होना ही है सब कुछ, तो क्या रखना है तुम्हें जब कुछ है ही नहीं, ओके। ये समझने में टाइम लगता है लेकिन सच यही होता है, मोह में पड़ते हैं ना हम तो भूल जाते हैं, फिर दर्द होता है। तो यहाँ पर वही आपको बताया जा रहा है कि सब कुछ शून्य से शुरू हो जाएगा अक्टूबर के मंथ में, और इसके लिए तैयार हो जाओ। और हो सकता है उस वक्त आपको अच्छा ना लगे, लेकिन बाद में, जैसे कि यहाँ पर जॉय का कार्ड है, जैसे कि यहाँ पर एम्परर का कार्ड है, जैसे कि यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है, तो ये कार्ड्स बताते हैं कि पॉजिटिविटी, अबंडेंस भर भर कर आपके रास्ते में आएगी, और आपके जो एंजल्स हैं वो भी आपसे कह रहे हैं कि उस वक्त आपका दिमाग इतने अच्छे से काम करेगा कि आप सही रास्ता खुद के लिए चूज कर पाओगे, जो कि अभी नहीं कर पा रहे। गॉट इट? ये होने वाला है आने वाले समय में। आई थिंक मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया होगा, मतलब आपको समझ आया होगा। और ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो मेच्योरिटी है ना, ये आपको अक्टूबर में खुद में देखने को मिल जाएगी, ये समझ लो, ठीक है। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या आता है। आपको कोई सवाल नहीं पूछना है, एक्चुअली ये जो कार्ड्स हैं यहाँ पर, यस एंड नो भी जवाब आता है, लेकिन सवाल मैं खुद पूछ रही हूँ आपके लिए। सो लेट्स सी एंजल्स क्या बताते हैं। अपॉर्चुनिटी, ओके, ट्रस्ट, हेल्पफुल पीपल, यस, कुछ लोग हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। एंड यहाँ पर आपको बोला भी गया है कि आप हेल्प मांगें, तो एक अच्छा गुरु, अच्छा गाइड अगर आपको मिलता है, अच्छा दोस्त है अगर आपका, तो उससे सलाह लें। और ये जो जिस तरीके की चक्र में आप फंसे हुए हैं ना, उससे बाहर निकलो, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी अगर आप ट्रस्ट रखोगे तो। अगर आप ये चाहते हो कि जिनके साथ में आप कनेक्शन में हो अभी, ठीक है, जिनको लेकर आप कि ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चलती रहती है, बहुत ज़्यादा चिंतित आप रहते हैं, उनके साथ में सब कुछ ठीक हो जाए, तो उसके लिए भी जो यूनिवर्स आपको देती है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अगर उनके साथ में अलगाव होता है तो एक्सेप्ट इट, ताकि आपका सेपरेशन हो और सामने वाले को आपकी वैल्यू समझ आए, तब वो वापस आपके पास आए ना जाने के लिए,
और अगर आपके जॉब या बिजनेस को लेकर है तब भी वही चीज़ अप्लाई होती है। आपको कंट्रोल इश्यूज से बाहर निकलना होगा। अगर आपके अंदर ये चीज़ें रहती हैं कि नो आई कैन कंट्रोल इट, तो इससे बाहर निकलो, यू कैंट। सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती। यहाँ से देखते हैं बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं। मास्टर्स विल, ओके। सो बाबा कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है बाबा की मर्जी से हो रहा है, जिनको भी आप मानते हो उनकी मर्जी से हो रहा है, तो ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई काम आपका अभी नहीं बन रहा है तो इसका मतलब है कि मास्टर्स नहीं चाहते, आपके मालिक नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये सही समय नहीं है। जैसे कि मैंने इंट्रो में बोला, डिवाइन टाइमिंग पर ही जो होना होता है वो होगा। उससे पहले अगर हो भी जाएगा तो वो परमानेंटली आपको नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो, मिलकर भी वो खो जाएगा। तो इससे बेहतर ये है कि टाइम लग जाने दो और उस वक्त तक का इंतज़ार करो जब वो चीज़ आपके पास आए परमानेंटली, ठीक है। यस, आपके हर्ट चक्रा पर आपको काम करना है, मेडिटेशन करो अपने हर्ट चक्रा के लिए, ठीक है। आप यहाँ से देख लेते हैं कि आपके लिए मंत्रा क्या आता है। कोई एक मंत्रा भी यहाँ से आपके लिए आएगा। सो मैं तीन मंत्रा निकालूंगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो लेट्स सी क्या कुछ आता है, ये मुझे नहीं चाहिए। ओके, मैं ये लेती हूँ एंड हम देखेंगे कि क्या मंत्रज आपके लिए आए हैं। तो जो मंत्र आपको ईजी लगे वो आप चैंट कर सकते हो। ओम शेडी देवाय नमः, ये मंत्र आप चैंट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज़। दूसरा मंत्र है आपके लिए रुद्र गायत्री मंत्र, 108 टाइम्स आपको करना है। ओके, यस। और तीसरा आपके लिए आया है या देवी सर्वभूतेषु मां रूपेण संस्थित, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थित। तो माता का ये मंत्र है, ये आप कर सकते हो, ये मैं भी करती हूँ, बहुत सुंदर सा है। अब यहाँ से देखते हैं, एक चिट उठाते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ, एक नहीं मैं दो उठाती हूँ, आप रिसीव करने वाले हैं अक्टूबर में। कम्युनिकेशन, तो किसी से कम्युनिकेशन आपका हो सकता है जिसका भी आप वेट कर रहे होंगे। एंड सक्सेस, आपको सक्सेस मिलेगा। तो हो सकता है कुछ ऐसे लोगों से ही आपका कम्युनिकेशन हो, जैसे कि आया था हेल्पफुल पीपल, जो आपकी हेल्प करें और इस तकलीफ से आपको बाहर निकालें जिस तकलीफ में आई थिंक काफ़ी सालों से हैं आप। यहाँ से देखते हैं क्या आता है आपके लिए, क्या आप रिसीव करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए आया है गुड हेल्थ, आपको हेल्थ अच्छी मिलेगी, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि हेल्थ का प्रॉब्लम है। विश फुलफिलमेंट, जो भी विश आपकी है वो पूरी हो जाएगी, आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ओके, एंड कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, विच इज़ वेरी नाइस। नॉलेज आपको मिलेगी, ये बहुत ज़रूरी है। एंड ड्रीम विल कम ट्रू, तो जो भी आपका सपना है वो ज़रूर पूरा होगा इन दिस अक्टूबर। अब यहाँ से स्टोन्स भी देखेंगे हम। सो एक और चाहिए मुझे। लव, आपको लव मिलने वाला है एंड 909 नंबर आपको दिखने वाला है। यानी कि जब ये नंबर दिखने लग जाए तो समझ जाइए कि आपको ट्रू लव मिलने वाला है। 777 आपको दिखेगा, जो कि मैंने बताया है मेरे दूसरे चैनल पर एंजल नंबर्स के बारे में, वहाँ मैंने बताया है कि 777 आपको क्यों दिखता है, आप वो देख सकते हो। स्माइल आपके चेहरे पर आएगी, किसियाँ मिलेंगी आपको, एक तो मैं ही देने वाली हूँ अभी। 1111 आपको दिखेगा एंड 3232 ये नंबर आपको दिखेगा, लेटर मिल सकता है किसी से। 202 ये नंबर आपको दिखेगा, ये एंजल नंबर्स हैं और आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। मतलब इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सो गाइज, ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करें, अगर करी हुई है तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय गाइज, तो अब मैं रीड करने वाली हूँ कार्ड्स उन लोगों के लिए जो कि आते हैं अर्थ साइन में। सो लेट्स सी कि क्या कुछ आता है आपके लिए। कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस,
चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल भी आप लोग परेशान नहीं होंगे, कम से कम जो 709 टैरट फैमिली के हैं मेंबर्स, उनसे तो मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे कि पता नहीं क्या आ जाएगा क्या नहीं क्योंकि आप लोगों को तो मैं कई महीनों से मेडिटेशन करवा रही हूँ, समझा रही हूँ, तो आपसे यही आशा है। और जो नए लोग हैं, व्यूअर्स हैं हमारे, उनसे मैं कहूँगी कि जितना हो सके शांत रहें और पॉजिटिव सोचें, ठीक है, नेगेटिव नहीं सोचना है, घबराना भी नहीं है, कार्ड्स अच्छे ही आएंगे, सब कुछ अच्छा ही होगा। और अगर ऐसा कुछ आ जाता है जो टफ़ दिखता है हैंडल करने, ये सोचकर मुश्किल लगती है कि कैसे हैंडल करेंगे, तो उसके लिए मैं गाइडेंस एंड रेमेडीज़ आपको दूंगी ही, तो आपको परेशान नहीं होना है। ओके, यस, ओके, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं, और जो कि स्पेशली हो सकता है रात के 3 बजे जागते हों या 2 बजे जागते हैं या फिर सोते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। किसी को भी नहीं दिखाते कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा परेशान और फाइटर हैं आप लोग, कहना चाहूँगी, फाइट तो करते हैं आप लोग, लेकिन बहुत तकलीफ में हो, अकेलापन सा महसूस होता है शायद। फ्रेंड्स काफ़ी हैं, लेकिन ऐसे ही हैं जिनको अपना फ़ायदा देखना होता है आपसे। जैसे कभी भी आपको कॉल करके कह दिया कि चलो घूमने चलते हैं और ये वो, ठीक है, आप तो चल दिए, और जब आपने इनको बोला कि चलो घूमने चलते हैं, तो इन्होंने ना कर दिया कि ये कैमरा क्यों ब्लर हो रहा है। वेट, मैं कार्ड्स आपकी दिखा देती हूँ, उसके बाद इसको क्लीन करूँगी। हाँ ठीक है, अभी ठीक है, ओके। जैसे कि मैंने कहा था, और देखो वही चीज़ें आ गई यहाँ पर, इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता आपका, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, चाहे ये रिलेशनशिप की बात करूं या फिर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं या प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है आपकी लाइफ में, बैलेंस नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहते हो। आप हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो दूसरों की, लेकिन जब आपका टर्न आता है तब कोई भी हेल्प करने वाला नहीं होता, और ये चीज़ बड़ा खलती होगी और खलने वाली बात भी है। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ब्यूटीफुल कार्ड, और देखते हैं यहाँ पर ओशो ज़ेन से देखते हैं क्या कुछ आता है। ट्रस्ट इन अ वॉइस, पेशेंस, काफ़ी मेच्योर हो, काफ़ी प्रोजेक्शन, धैर्य रखने वाले हो, और ये एनर्जी आई थिंक अभी अभी आई है आपके अंदर, मतलब पहले ऐसा नहीं था कि आप इतना धैर्य रखें, लेकिन धीरे धीरे करके अब आप बहुत ज़्यादा मेच्योर हो गए हो और आपको समझ आ गया है कि किस तरीके से धैर्य हमें रखना चाहिए किस सिचुएशन में। ओके, मैन होल्डिंग अ हॉट, एंजाइटी, कॉर्नोकॉपिया, प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, ब्रोकन हार्ट है, दोनों से ही परेशान हो। ओके, गिल्ट, आइसोलेशन, जैसे कि मैंने कहा ही था शुरुआत में ही, कन्फ्यूजन, प्रोजेक्शन एंड कन्फ्यूजन दोनों एक जैसे ही ऑलमोस्ट
ये कार्ड्स हैं मेरे लिए एंड ओके ये गाइडेंस मैं बाद में देखूंगी क्योंकि काफ़ी सारे कार्ड्स हो गए हैं सो मैं इनको सेट करती हूँ. हाँ वेट ओके गाइस सो इतना ही सेट हो पा रहा है. टेबल शायद छोटा है मेरा कार्ड ज़्यादा है. ओके तो अगर मैं आपकी बात करूं कि अक्टूबर में क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी. देखो आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं या फैमिली में कोई ऐसा है जो आपका फ़ायदा उठाता है वो तो नहीं चेंज होने वाले. ठीक है ऐसा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि उनमें चेंजेस आएंगे वो सुधर जाएंगे. ना 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 लेकिन जो आपके अंदर ये जो विश्वास है ना ये चीज़ आप में बहुत अच्छी है. ये मैं सभी लोगों को बताती हूँ उनको समझाती हूँ. बहुत टाइम लग जाता है लेकिन बहुत ही कम लोगों को समझ आता है जब मैं उनको बोलती हूँ कि कितना ही टफ टाइम क्यों ना हो आपको विश्वास रखना है यूनिवर्स पर और खुद पर. ठीक है क्योंकि यही एक वो रेमेडी है जो काम आएगी. चाहे मैं कितने ही मंत्रास आपको दे दूँ चाहे कितने ही अफर्मेशंस मैं आपको दे दूँ कुछ भी आपको दूँ स्पेल्स दूँ कुछ भी करूँ वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि आपको विश्वास नहीं होता. यहाँ तक आपने देखा होगा कि दवाइयाँ तक अगर आप खाते हो आपने अगर डॉक्टर से बात करी हुई है जैसे कि मैं थी हॉस्पिटल में कोमा में और जब उससे बाहर आई थी तो मुझे यही बोला था उन्होंने जो मेरा ट्रीटमेंट कर रहे थे कि सिर्फ तुम्हारे विल पावर की वजह से तुम वापस से तुम्हें एक नई ज़िंदगी मिली है वरना बहुत मुश्किल था. तो विल पावर होना और विश्वास होना. ठीक है मुझे विश्वास ये था कि मैं ठीक हो जाऊंगी जबकि मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी. लेकिन मुझे लगता था पहले तो मैंने ये सोचा कि ठीक है मुझे ऐसी ही ज़िंदगी जीनी है और यादत से. लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास था कि हो जाएगा और फिर वो हुआ आंखों की रोशनी वापस आई. तो वही चीज़ है ये जो विश्वास है ना आपके अंदर ये बड़ी बढ़िया चीज़ है. ये बड़ी बढ़िया रेमेडी होती है. ठीक है ये अगर आपके पास है तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप अचीव ना कर सको ये समझ लो. हालांकि ये तो मैं देख पा रही हूँ कि आप एंजाइटी में रहते हो परेशान रहते हो तकलीफ़ में रहते हो टूट जाते हो. ठीक है और आप पर ना ये मून साइकिल्स जो है ना उनका बहुत प्रभाव पड़ता होगा. जैसे ही फुल मून हुआ जैसे ही न्यू मून हुआ वैसे ही बेचैनी परेशानी हेल्थ का ख़राब हो जाना आपके एक्स जो हैं वो वापस आ जाते होंगे जिनसे आप बात नहीं करना चाहते. ठीक है कुछ लोगों के लिए ओके और जो भी परेशानियां हैं ना जैसे हम नहीं कहते जिनको हमने कहीं ना कहीं दबा दिया है मिट्टी डाल दी है वो निकल निकल कर आ जाते हैं. ठीक है ऐसा आपके साथ होता होगा. लेकिन उसके बाद भी आप में जो स्ट्रेंथ है आप में जो क्षमता है धैर्य रखने की कमाल की है. और इसी की वजह से जो भी आप चाहते हो वो आपको मिलने वाला है इन अक्टूबर. किसी से जान पहचान होगी और जिसके साथ में आपकी जान पहचान होगी उसके साथ में लंबा कनेक्शन आपका जाने वाला है ओके जो सिंगल हैं उनके लिए मैं बता दूं और जो किसी का वेट कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि हो सकता है जिनका वेट कर रहे हैं वो वापस आ जाए या फिर कोई नया बंदा आपकी लाइफ में या बंदी आपकी लाइफ में इन अक्टूबर आएगा. और साथ ही साथ आपका करियर भी अच्छा होगा. ठीक है अबंडेंस है कॉर्नोकॉपिया का कार्ड है मेरा फेवरेट कार्ड है और ये कार्ड बताता है कि भर भर कर पैसा आपके अकाउंट में आने वाला है. अब ये मत कहना कि अरे हमारी तो जॉब ही नहीं है हमारा तो बिजनेस ही नहीं है कहाँ से आएगा. वो जहाँ से भी आएगा आपको बिलीव करना है कि ऐसा होगा क्योंकि आपके लिए कार्ड आया है. मैं अपने यूं ही थोड़ी ना मन से बता रही हूँ आपके सामने मैंने कार्ड इसीलिए खोल रखे हैं है ना. तो ये आपके साथ होने वाला है इन अक्टूबर. इसी के साथ साथ आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि सबसे पहले अपने अंदर का जो भी गिल्ट है उसको बाहर निकालो. ये गिल्ट किसी भी तरीके का हो सकता है. ये गिल्ट ऐसा हो सकता है कि मुझसे बड़ी बहुत गलतियां हो गई हैं उसकी वजह से मेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही. ये गिल्ट ऐसा भी हो सकता है कि लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया तो मैंने फ़ायदा उनको उठाने दिया क्यों. ये भी गिल्ट हो सकता है. तो ये जो भी गिल्ट है आपके अंदर इसको बाहर निकालो क्योंकि इसी की वजह से आप अकेलापन महसूस करते हो. और थोड़ा ना खुद के लिए जीना सीखो थोड़ा नो बोलना सीखो. ठीक है नो नहीं बोल पाते आप ये दिक्कत है आपके साथ. समटाइम्स हमें ना बोलना पड़ता है ओके. यहाँ पर टेन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर कॉर्नोकॉपिया है तो जो भी रुका हुआ पैसा है जो भी है वो सब कुछ वापस आएगा इन अक्टूबर. ठीक है लेकिन यहाँ पर दो कार्ड्स ऐसे हैं जैसे कि ये प्रोजेक्शन का कार्ड एंड जैसे ये कन्फ्यूजन का कार्ड. तो ये जो कार्ड्स हैं इनसे बाहर निकल आओ बच्चे. ठीक है
ओके बाबू, क्योंकि ये आपके लिए अच्छे नहीं है। अगर आप कंफ्यूज्ड रहोगे, अकेले रहोगे, किसी से बात नहीं करोगे, तो ये जो एनर्जी है ये नेगेटिविटी को ही बुलावा देगी, ना कि पॉजिटिविटी को। और हमें पॉजिटिविटी चाहिए ना हमारी लाइफ में, है ना बच्चे? तो ये नहीं करना है, ठीक है? अब यहाँ से कुछ सवाल मैं पूछूंगी एंजल से, आपको कुछ नहीं पूछना है, और देखते हैं यहाँ से क्या आता है। नो, ओके, बिग हैप्पी चेंजेस। आस्क योर एंजल्स। जो मैं आपसे कह रही थी कि ना बोलना सीखो और अपने बारे में सोचना सीखो, वही कार्ड यहाँ पर आ गया, बी असर्टिव का। ठीक है, ये कार्ड वही संदेश देता है कि आपको समटाइम्स अपने बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ जाती है। जो आप दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो ना, इसीलिए ये वाली कंडीशन होती है आपके साथ, समझ रहे हो? और दिल के मामले में होती ही होती है, मतलब आपकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज चलते ही रहते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक सवाल पूछा था जिसके लिए यहाँ पर नो आया है। सवाल मेरा ये था कि क्या, यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का सवाल होगा कि क्या मेरा एक्स मेरी लाइफ में वापस आने वाला है, तो यहाँ पर नो है। ठीक है, अक्टूबर में तो नहीं है, हो सकता है कि बाद में कभी आना हो, अगर आप वेट कर रहे हैं उनका। तो अक्टूबर में आपके एक्स की तरफ से तो कोई कमबैक मुझे नहीं दिख रहा, कोई नया बंदा आएगा। ठीक है, ये सवाल था जो मैंने पूछा था। अब यहाँ से देखते हैं बाबा आपको क्या कहते हैं। बाबा की तरफ से एक मैसेज हम देखेंगे, यू आर यूनिक। तो बाबा कह रहे हैं कि आप यूनिक हो। थोड़ा सा अगर बैलेंस बना लोगे तो फिर क्या बात, ठीक है? क्योंकि थोड़े से कंफ्यूज रहते हो आप, कंफ्यूजन की वजह से। आप हो तो यूनिक, लेकिन आप खुद को समझ नहीं पाते और सवाल ज़्यादा रहते हैं, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, हमेशा क्यों होता है, हमेशा क्यों होता है। आप यूनिक हो, यूनिक इन द सेंस कि देखो, हम जैसे हमारे घर में बच्चे खेल रहे हों, ठीक है, आपके और पड़ोसियों के, ठीक है? तो जब बात प्यार करने की आएगी, आप सभी को प्यार करोगे, लेकिन जब मार लगाने की बात आएगी, कुछ समझाने की बात आएगी, ठीक है, तो आप किसको समझाओगे, किसको मार लगाओगे? अपने बच्चे को, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वो आपका है, आपका है, खुद का बच्चा है। वही चीज़ आपको ऊपर वाला बताता है कि अगर हम आपके साथ कुछ गलत, आपको लग रहा है गलत कर रहे हैं, अगर हम आपको पनिश कर रहे हैं, गलत नहीं, पनिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम आपको अपना मानते हैं, ना कि ये कि आपकी किस्मत बुरी है। जो ज़्यादातर लोग कहते हैं, भगवान ने सुना नहीं, भगवान ने मेरी मन्नत पूरी नहीं करी, भगवान मुझे प्यार ही नहीं करते, भगवान बहुत बुरे हैं। तो ये नहीं होता प्रॉब्लम का सलूशन। आपको पनिश तभी किया जाएगा ना जब आप कुछ गलत कर रहे होंगे, है ना? तो अगर कुछ ऐसा टफ टाइम आपकी लाइफ में आता है, तो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है कि बच्चे इस बारी तुमने गलती करी है, नेक्स्ट टाइम मत करना, ठीक है? ये यहाँ पर समझाया जाता है। और इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि आप यूनिक हो, आप ईश्वर के बहुत करीब हो। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि हाँ ये तो मोटिवेट करने के लिए दीने कह दिया क्योंकि हमें तसल्ली हो जाए, नहीं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रही हूँ। मुझे भी लगता था किसी टाइम पर ऐसा, और फिर बाद में मुझे दिखता था कुछ 2-3 महीनों बाद या सालों बाद कि अरे ये वजह थी, इसलिए ऐसा हुआ। कई ऐसे फ्रेंड्स थे जिनके साथ में मेरी फ्रेंडशिप टूटी, और जब टूटी तो मुझे यही लगा कि देखो मैं तो बड़ी हेल्पफुल थी, मैंने ये किया वो किया, इसने ऐसा किया, और फिर फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई, ये वो। और बाद में फिर पता चलता था कि क्यों फ्रेंडशिप ख़त्म हुई, ठीक है, कोई ना कोई रीज़न ही दिखता था। जब लगता था कि हाँ अगर मैं इसके साथ होती अभी तक तो पता नहीं कहाँ फंसी होती, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, और ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं वो नहीं कर रही कि हाँ मोटिवेट कर दूँ, होता कुछ नहीं है, बस बोल दो। ओके, अपने थर्ड आई चक्रा पर काम किया करो जिससे कि क्लैरिटी मिले। मेडिटेशन करते हो ना, थर्ड आई चक्रा के लिए किया करो, यहाँ पर क्लियर कर दूँ। अब यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए मंत्र क्या है, ठीक है? गाइडेंस आपको मिला है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से भी, मैं मैसेजेस देखूंगी अभी, डोंट वरी। एंड ये 3 मंत्र मैं निकालूंगी पहले तो, और यहाँ से आपके एंसेस्टर्स की तरफ से भी एक मैसेज देखना चाहूँगी फॉर गाइडेंस।
मेक प्लान्स एंड फोकस, ठीक है, आपको प्लान्स बनाने हैं और उन पर फोकस करना है, आपका फोकस ही अच्छा नहीं है, इसीलिए आपके लिए थर्ड आई चक्रा का कार्ड आया है। थर्ड आई चक्रा पर काम करोगे तो थोड़ा ना कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कन्फ्यूजन से बाहर निकलोगे और खुद पता चलेगा जो आपकी लाइफ में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, जिसको आप गलत समझ रहे हो वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है, आपके लिए अच्छा है बच्चे। तो ये कुछ मंत्रास हैं जो आप चैंट कर सकते हो, ये देख लीजिएगा, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए ये मंत्र है, बहुत सुंदर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको चैंट कर सकते हैं 108 टाइम्स, ठीक है। ओम का चैंट कर सकते हैं, मेडिटेशन में सबसे सुंदर है ये मंत्र, ठीक है, और ये मंत्र है आपके लिए, ऑलराइट, ये मंत्र आज आपको चैंट करने हैं। अब यहाँ से देखते हैं कि क्या कुछ ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं इन अक्टूबर। वैसे तो यहाँ पर दिख ही गया है क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, बट फिर से यहाँ से भी देख लेते हैं। प्रपोजल आपको मिलेगा जो कि मैंने आपको बोला ही था, और यहाँ पर 90% लोगों के लिए ये कोई नया बंदा है, ठीक है, 10% लोगों के लिए उनका एक्स हो सकता है, डिपेंड करता है, कमिटमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो जिनके लिए आप वेट कर रहे हो, जैसे कि मैंने कहा ही कि जिनके लिए आप वेट कर रहे हो उनकी तरफ से कॉल या मैसेज आ सकता है। एक्स की मैं बात करूं जिनके साथ में ब्रेकअप हो गया है तो उनकी तरफ से चांसेस मुझे लग रहे हैं 10% हैं, आगे तो भाई ऊपर वाला जाने, क्योंकि मैं भगवान थोड़ी हूँ, उनसे बड़ी तो नहीं हूँ। यहाँ से देख लेते हैं कि क्या है, क्या आता है, क्या रिसीव करने वाले हैं आप इन अक्टूबर, ये एक साथ ही निकल आए हैं, चलो देखते हैं क्या है। यहाँ पर है अ मंत्रा टू चेंज योर लाइफ, मंत्रा आपको मिली गया है। यहाँ पर है अ गुड रिलेशनशिप, आपको बहुत ही सुंदर रिलेशनशिप मिलने वाला है, रिंग मिलने वाला है आपको, एंड बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा जो कि बाबा भी आपको बता रहे थे, एंड अ ब्यूटिफुल अबंडेंट लाइफ आपको मिलने वाली है अक्टूबर से, एंड देन लव फ्रॉम योर पेरेंट्स, तो आपके पेरेंट्स से आपको लव मिलने वाला है, अगर उनकी तरफ से नहीं मिलता है तो मैरिज विद योर लव, ठीक है, तो आपके लव के साथ में आपकी मैरिज होने वाली है। अ बिग इनफ बजट फॉर अ लग्जरी ट्रेवल, तो काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट, जैसे कि मैंने आपको बोला था वही सारी चीज़ें यहाँ पर आई हैं, बढ़िया सा पैसा मिलेगा, घूमने फिरने का चांस है आपके पास। अब देख लेते हैं कि यहाँ से क्या आता है, स्टोन्स हैं कुछ, ओके, सो यहाँ पर है आपके लिए अबंडेंस फिर से आ गया, 333 आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा, ठीक है, एंड ए सी एफ ये इनिशियल्स आपके नेम के हो सकते हैं या फिर जो आपको मिलने वाला है उनके, 454 आपके लिए नंबर दिखेगा आपको, एंजल नंबर है, क्लैरिटी, ठीक है, वो थर्ड आई चक्रा का वो करोगे ना मेडिटेशन, आपको क्लैरिटी मिलेगी, स्माइल मिलेगा प्यारा सा आपको, 777 आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा, ये काफ़ी सुंदर नंबर है। मतलब क्या है, आप मेरे दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, ओम मणिपद में हम करके मेरा चैनल है। सो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय गाइस, तो अब मैं कार्ड्स रीड करने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो कि आते हैं एयर साइन में, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस जिनकी राशि है, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आता है। मदर यूनिवर्स को थैंक्स कहें फॉर एवरीथिंग, और बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, कार्ड्स हम यहाँ से देखेंगे, सब कुछ अच्छा ही आएगा, क्योंकि ब्लेसिंग्स हम जानने की कोशिश कर रहे हैं तो एंजल्स हमें वही बताएंगे, और अगर कुछ ऐसा आता है जो कि लगता है कि मुश्किल है उसको हैंडल करना, तो कोई बात नहीं है, उसी के लिए तो मैं रेमेडीज़ एंड गाइडेंस आपको दूंगी, है ना, तो परेशान तो होना ही नहीं है, परेशान होना तो बनता ही नहीं है। ओके, दो कार्ड्स यहाँ पर आ गए हैं खुद से, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सो यहाँ पर क्या कार्ड्स हैं, लेट्स सी, अरे वाह, एस ऑफ कप्स आया है आपके लिए, सन आ गया, ओके, एंड यहाँ पर आया है हेरोफेंट, वेरी नाइस, और यहाँ पर है थ्री ऑफ वांड्स, अरे
वाह भाई वाह। और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो आपका आ ही गया है बॉटम ऑफ द डेक। तो ओशो ज़ेन से देख लेते हैं, आपकी रीडिंग बहुत बढ़िया आई है भाई। और देखते हैं, सक्सेस, ओके, शेयरिंग, ओके, कॉन्फिडेंस भर जाएगा आपके अंदर, पता है, रिसेप्टिविटी, ढेर सारा प्यार है, सब कुछ है, कंपैरिजन, बॉटम ऑफ द डेक है कंपैरिजन। तो यहाँ से भी देख लेते हैं एनर्जी ओरेकल से क्या आता है आपके लिए, और फिर मैं थोड़ा कैमरा ठीक करूँगी, फिर आगे के कार्ड्स निकालेंगे। ऐसा करते हैं, सेकेंड चक्र आया है आपके लिए एंड आपके लिए है हॉस्पिटैलिटीज़, ओके। फर्स्ट चक्र आया, चक्रास के कार्ड्स आए हैं आपके लिए, ओके, गॉडेस ऑफ द मून, वेट हाँ, ओके गाइस अभी कार्ड्स दिख रहे होंगे राइट। चलिए कुछ कार्ड्स और देखते हैं, मैं अगर ये एक्सप्लेन ना भी करूँ ना कार्ड्स, तब भी आपको दिख ही रहा होगा, पता लग रहा होगा कि इनका मतलब क्या है। आइसोलेशन, ओके, हाल फिलहाल में कुछ परेशानियाँ चल रही हैं भाई, मैरिड है तो मैरिड लाइफ में इश्यूज़ चल रहे हैं, केस वगैरह कुछ चल रहा है आई थिंक, या फिर लग रहा है कि इन फ्यूचर हो सकता है ऐसा। सी यहाँ पर है आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक मून, ठीक है, ओके। तो मुझे थोड़ा समझने दो फिर मैं आपको समझाऊंगी, है ना। ओके, सो सबसे पहली बात तो ये कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं इंट्यूशन के बड़े अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे इंट्यूशन है, काफ़ी इंट्यूटिव हैं, और क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है वही इंट्यूशन से पता चलता है, तो काफ़ी जल्दी पता भी चल जाता है और समझ भी आ जाता है। उसके बाद भी कुछ ना कुछ ऐसे काम आप करते हो जो कि आपकी इंट्यूशन के अगेंस्ट हैं, ठीक है, जैसे कुछ भी आप करने वाले हो और आपका दिल नहीं करता करने का, ठीक है, लेकिन फिर भी आप करते हो, दूसरों को बुरा ना लग जाए, ठीक है, एक एक एहसान सा कुछ बना रहता है आपके ऊपर, एहसान में एहसान तले दबे रहते हो, अब चाहे ये दूसरों के लिए हो, बाहर वालों के लिए, या फिर आपकी खुद की फैमिली के लिए, लेकिन कुछ है ज़रूर। जैसे हो सकता है आपकी सोच ऐसी हो, मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे पाला, मुझे बड़ा किया, आज अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस उनकी वजह से हो पाया है, जॉब कर रहे हो तो उनकी वजह से हुआ है, ठीक है, तो हम अब वही करेंगे जो वो कहेंगे, क्योंकि क्या बताऊँ एक्चुअली ना मुझे ये कॉन्सेप्ट कुछ समझ नहीं आता लोगों का, अगर पेरेंट्स ने आपके लिए कुछ किया है तो वो एहसान कहाँ है, पेरेंट्स आपको प्यार करते हैं, आप उनके बच्चे हो, और हम हमेशा जब प्यार के बारे में बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि प्यार अनकंडीशनल होना चाहिए, जैसे माँ करती है, जैसे माँ प्यार करती है वैसा होना चाहिए, कैसा, अनकंडीशनल, ऐसे बोलते हैं, है ना। तो अगर आपके फैमिली या आपके मॉम आपके सामने कंडीशंस रखते हैं तो वो अनकंडीशनल लव तो हुआ ही नहीं, तो वो माँ वाला प्यार तो हुआ ही नहीं, है ना। तो किस आधार पर आप अपनी ज़िंदगी के साथ में खेल जाते हो, ये चीज़ समझ नहीं आती। यहाँ पर हैं कुछ लोग ऐसे, अगर दिल करे तो कमेंट में मुझे बता देना, वैसे कोई बात नहीं, मुझे पता है कोई नहीं बताएगा सब यही कहेंगे नहीं हम तो ऐसे नहीं करते, लेकिन है यहाँ पर, ठीक है, ये एनर्जी है, दाव पर लगा देते हैं आप अपनी ज़िंदगी और बाद में फिर रोते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर आपने शादी भी करी है तो आपने घर वालों की मर्ज़ी से शादी करी है, कुछ लोगों के लिए मैसेज है, ठीक है, या कर रहे हो और आपको पता है कि वो सही नहीं जाएगी, या फिर वो शादी सही नहीं गई है, और फिर आप कह रहे हैं कि मम्मी पापा, तो मम्मी पापा क्या करेंगे, शादी जब आपने की आपने उनकी मर्ज़ी से कर ली तो आपको क्या लग रहा था कि आपकी शादी में प्रॉब्लम आएंगे तो मम्मी पापा देखेंगे, हम मम्मी मम्मी ऐसे हो गया, ऐसा थोड़ी होता है तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हो, ठीक है। दूसरा, ट्रस्ट इशूज़ भी हैं आपको, और ओवरथिंक भी बहुत करते हो, ये चीज़ें हैं आपके साथ, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अकेले रह जाते हो, कई सारे लोगों से घिरे हुए हो फिर भी अकेले हो। आपके साथ पता है कैसा है, जैसे आपने वो मूवी देखी है टाइटैनिक, सभी ने देखी है आई थिंक तो वहाँ उसमें जो रोज़ थी ना, उसकी ज़िंदगी कैसी थी,
इतनी रिच दिखने वाली, और सामने से अगर कोई देखे तो यही कहे ना कि प्रिंसेस है, लेकिन उसकी लाइफ थी कैसी? वो चाहती कुछ और थी, उसके पास था बहुत कुछ लेकिन वो उसको नहीं चाहिए था, और जो उसको चाहिए था वो खुलकर बता नहीं सकती थी, घुटन में रहती थी। तो कुछ कुछ वैसा ही आपके साथ है, ये हैं वो हैं, इनको देखना है उनको देखना है, और ज़िंदगी से ऊब गए हो, ये वाली थक गए हो, थकान सी आ गई है। और जब भी कुछ नया करते हो ये सोच कर कि इस बार ही कुछ अच्छा होगा, उसके रिजल्ट्स कुछ और ही आते हैं। और ये पता है क्यों होता है? क्योंकि ऊपर वाले ने बड़ी बढ़िया सी इंट्यूशन आपको दे रखी है, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते, और इस्तेमाल नहीं करना चाहते, या फिर मैं कहूँ कि आप में हिम्मत नहीं है कि आप वो करो जो आपका दिल कहता है, आपकी इंट्यूशन कहती है, क्योंकि आप घिरे हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। अब हो सकता है आपसे रेजोनेट हो ना हो, कितने लोगों से हो पता नहीं, लेकिन एनर्जी ऐसी आ रही है। अगर मैं बात करूँ कि अक्टूबर में क्या कुछ होने वाला है, खुशियाँ हैं भैया आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि सन आ गया है यहाँ पर तो खुशियाँ हैं, विक्ट्री है, कॉन्फिडेंस आता हुआ आपके अंदर में देख पा रही हूँ, किसी से मीटिंग होते हुए देख पा रही हूँ, ढेर सारा प्यार है आपकी लाइफ में, न्यू बिगनिंग है, किसी से कमिटमेंट आपको मिल सकता है, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ सकती है, सब कुछ पॉजिटिव है, ढेर सारा जो भी आ रहा है वो सब कुछ ऐसा है जो कि शायद आपने एक्सपेक्ट भी ना किया हो। ठीक है, अभी जो भी हो रहा है उससे थोड़ा हटकर सोचे, ये आपके लिए गाइडेंस है, इससे आगे का सोचे। अगर आपका कोई केस वगैरह चल रहा है, शादी नहीं चल रही है, तो उसको लेकर परेशान ना हो, ये सोचो कि अगर ये शादी नहीं चल रही है, अगर डिवोर्स हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि नई चीज़ें आपकी लाइफ में आए, और वो चीज़ें आपकी लाइफ में आए जो सच में आप चाहते हो। ठीक है, ये यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। थोड़े से ट्रस्ट इशूज़ जो आपके अंदर हैं उनको थोड़ा ख़त्म करो। ठीक है, चाहे आपकी मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, काफ़ी कुछ है। और यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आएगा सब कुछ, लेकिन रिसीव करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो उसी के लिए आपको बोला गया है कि ये ट्रस्ट इश्यूज जो आपके अंदर हैं इनको हटाओ, और थोड़ा थोड़ा तो भरोसा करना सीखो। ठीक है, जो आपके लिए आ रहा है उस पर, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना बार बार, जब हम डिसीजंस लेते हैं सही नहीं जाते, भरोसा टूटता है, तो फिर कुछ अच्छा हो रहा होता है तो हमें ये लगता है अच्छा ही है, कि ये अच्छाई के बेस में बुराई है और खुशियों के बेस में दुख है, तो ऐसा तो नहीं मैं इसकी तरफ आगे बढ़ूं और फिर मेरे साथ कुछ गलत हो जाए। इट्स ओके, होता है, लेकिन अक्टूबर में इस बारी थोड़ा सा ना एक चांस दो और अपनी इंट्यूशन को सुनो, इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी है, थोड़ा भरोसा करो उस पर। ठीक है, विक्ट्री का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है, लव का कार्ड है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है, मीटिंग का कार्ड है, कमिटमेंट का कार्ड है, ढेर सारे अनकंडीशनल लव का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है। ठीक है, मैरिज होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जॉब लगती हुई दिखाई दे रही है, कोई एग्जाम दिया है तो उसका बड़ा बढ़िया सा रिजल्ट आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपसे कहा जा रहा है योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की बात को सुने। अब मैं यहाँ से पूछूंगी कुछ सवाल, आप नहीं मैं पूछूंगी, और लेट्स सी कि यहाँ पर जवाब क्या आता है। यहाँ पर कुछ ऐसा रह ही नहीं गया जो मैं आपसे कहूँ कि नहीं आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन आप रिसीव कर लें तब है, ये आप पर बनता है। रिसीव करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सोच रहे हो कि अरे खुशियाँ आएंगी तो हम रिसीव कैसे नहीं करेंगे, ना 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 ना, ये जिस एनर्जी में आप रहते हो ना फिर वैसा ही पलट जाती है एनर्जी। ठीक है, अब कैसे बताऊँ, जैसे आपके मन में ये है खुशियाँ आएंगी तो पता नहीं कैसी आएंगी, कुछ बुरा ना हो जाए, तो खुशियाँ आएंगी और कुछ बुरा हो जाएगा। ठीक है, बस ये समझ के चलो, तो इससे बाहर निकलना होगा आपको, ये जो मेंटेलिटी आपने बना रखी है ना इससे बाहर निकलो, थोड़ा कम ना शक्की बना करो। ठीक है, ट्रस्ट देख लो, वही मैं बोल रही थी, ट्रस्ट करना सीखो थोड़ा, ट्रस्ट इश्यूज हैं, परफेक्ट टाइमिंग है, बढ़िया टाइमिंग है जो मिलने वाला है। ठीक है, ठीक है, सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन आगे अच्छी होने वाली है, तो आस्क योर एंजल्स, आपके एंजल्स आपको बताते हैं, गाइड भी करते हैं, आप सुनते नहीं हो, बस ये है कमी आप में, और कुछ नहीं है। ठीक है, देखते हैं यहाँ से क्या बाबा क्या बोल रहे हैं आपको। शिव शक्ति, बैलेंस बनाओ खुद के अंदर, कन्फ्यूजन से बाहर निकलो। ठीक है, बैलेंस बनाना सीखो, कितनी एज होगी आपकी? 30 अबव तो होगी, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग 30 अबव हैं, 40 तक जा रहे होंगे, और कुछ लोग हो सकता है कम एज के भी हों, लेकिन मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर लोग 30
30 अबव हैं, और उसके बाद भी अगर आप इतना खुद को दबा हुआ सा महसूस करते हो तो गलत है आपके लिए भाई। यहाँ पर क्या, ओके कोई फीमेल फिगर है जिसका आना होगा आपकी लाइफ में, ठीक है, और उसको आने दो। आप शायद उसको जानते भी हो, एक हीलर हो सकती है, देवी टाइप पर्सनालिटी है, और हो सकता है आप उसको जानते थे, आपने अवॉइड किया या पता नहीं, लेकिन जो भी है कोई आने वाला है उसको आने देना, ठीक है, रोकना नहीं है। अब यहाँ से कुछ मंत्र मैं देख लेती हूँ क्या मंत्र आते हैं आपके लिए जो आपको चैंट करने हैं। हाँ, एक बात और बता दूँ, कार्ड्स जो भी हों मैं अपनी इंट्यूशन के आधार पर आपको बताती हूँ, क्योंकि जब भी मैं कार्ड्स रीड करती हूँ मुझे कुछ लोग आगे शिक्षा देते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि कार्ड्स का को रीड करने का मतलब ये नहीं होता कि जो बुक्स में पढ़ लिया वही यहाँ बोल दिया, ठीक है। आपको अपनी इंट्यूशन से पढ़ना होता है। ओके, तो ये मंत्रा है, आप चैंट कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, पूरा मंथ आप कर सकते हैं। एंड दूसरा है ओम का मंत्र, ठीक है, ओम के मंत्र का जाप कर सकते हो। एंड तीसरा आपके लिए फिर से साईं बाबा का ही मंत्र है, दोनों देवाय नमः करके हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये मंत्र आप चयन करो, ठीक है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ब्लेसिंग्स देख लेते हैं यहाँ से और क्या आती हैं आपके लिए। ओके, तो ये निकल आया है तो मैं ले लेती हूँ, खुद से आया है यहाँ, तो मुझे लग रहा है तीन आए हैं आपके लिए। रीयूनियन होने वाला है बेशक। तो हो सकता है किसी को, जो मैं कह रही थी ना कि कोई है जिसको आप पसंद करते हैं लेकिन आप उसको पीछे हटाते रहते हैं, तो उसके साथ में रीयूनियन होने के चांसेस हैं, और आपकी इंट्यूशन बोलेगी कि हाँ आपको कर लेना चाहिए यूनियन उसके साथ, लेकिन पता नहीं आप सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, जो भी आप देख लेना, ठीक है। गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। एंड यहाँ पर प्रपोजल, यस प्रपोजल आपको मिलने वाला है, और यहाँ से देख लेते हैं। सुंदर सुंदर है सब कुछ। यहाँ से है आपके लिए एन अट्रैक्टिव स्पाउस, ओके, एंड मंत्रा टू चेंज योर लाइफ, मंत्रा आपको मिल गया है, अ बिग इनफ वो कि ढेर सारा पैसा मिलेगा ट्रैवल करने के लिए, हो सकता है आपको पसंद हो। गुड हेल्थ आपको मिलने वाली है, कॉन्फिडेंस जो कि मैं आपको बोल रही थी, और रिंग, ओके। अब स्टोन देख लेते हैं, स्टोन क्या आता है आपके लिए। एक साथ आ गए, फाइव लेटर आपको मिलने वाला है, एंड 232 ये नंबर आपको दिखेगा, 212 ये नंबर आपको दिखेगा, ये एंजल नंबर्स हैं, 616 बैलेंस का नंबर है ये दिखेगा, हगियाँ बगियाँ मिलने वाली हैं, 119 आपको दिखेगा, ये मुझे नंबर बहुत दिख रहा है अभी इस टाइम, और क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, 555 नंबर आपको दिखेगा। तो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग गाइज, आई होप आपको पसंद आई हो, आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, रेजोनेट करा है अगर ये रीडिंग तो मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूलें, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप सभी लोगों के कॉमेंट्स में रीड करती हूँ, सुकून सा मिलता है कि हाँ मैंने लोगों के सवालों के जवाब दिए हैं। तो चलिए फिर से आऊँगी एक नए रीडिंग के साथ, आप लोगों के सामने हाजिर होंगी, ठीक है, बाय बाय। हाय गाइस, तो अब मैं कार्ड्स रीड करने वाली हूँ लोगों के लिए जो कि वाटर साइन में आते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, लेट्स सी आपके लिए क्या कुछ आता है यहाँ पर। बिल्कुल भी परेशान या उदास ना हो, पॉजिटिव रहें और ग्रैटिट्यूड फील करते रहें, ठीक है, कार्ड्स अच्छे ही आएंगे, पॉजिटिव ही होगी रीडिंग, ये बिलीव करें। और अगर ऐसा होता भी है कि रीडिंग कुछ ऐसी आती है जो जिससे ये पता चलेगा कि टाइम कुछ टफ है और मुश्किल है उसको हैंडल करना, तो कोई बात नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पर गाइडेंस और रेमेडीज़ भी लेकर आई हूँ, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो आप लोग। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं, 10 of Cups है आपके लिए, बहुत ही सुंदर कार्ड है। यहाँ से देखते हैं आपके लिए आया है 10 of Pentacles एंड 10 of Cups, वेरी नाइस, 9 of Cups, अरे वाह, किंग ऑफ कप्स, ये तो आप ही का, आप ही की एनर्जी आ गई। 8 of Pentacles, प्रमोशन होने वाला है, मेहनत होने वाली है, लव लाइफ भी बड़ी बढ़िया है। 9 of Cups, 9 of Pentacles, 10 of Cups एंड 10 of Pentacles, ओके, 7 of Swords, ओके, ये 7 of Swords क्यों है,
सेवन ऑफ पेंटिकल्स, जोड़े बन रहे हैं आपके तो। ओके, इसलिए ऐसा आया। ठीक है, मुझे कुछ कार्ड्स और चाहिए, इतने से बात नहीं बनेगी। साइलेंस, मास्टर, आउटसाइडर। ओके, सक्सेस है बॉटम ऑफ द डेक। मैं थोड़ा कैमरा ठीक करती हूँ, वेट। ओके गाइस, गार्डन एंड द गेट, आउटसाइडर, ये दोनों ही कार्ड्स आ गए आप लोगों के लिए। इनडिसीजन, टोटो स्पिरिट, हॉस्टैलिटीज, इमोशंस दिखाना, किसी के सामने रोना, आपको ऐसे लगता है कि लोग आपको कमज़ोर समझ लेंगे, वल्नरेबल, कि अरे ये तो ये कुछ हैंडल नहीं कर सकता, शायद ऐसी मेंटालिटी है, हैंडल नहीं कर सकती, ये तो रोती है, ये रोता है, ऐसे कैसे। ठीक है, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि अगर, अरे लड़कों को रोना नहीं चाहिए, अगर लड़के रोते हैं तो उनको कमज़ोर समझा जाएगा, लोग हंसेंगे, है ना, कि अरे ये कैसा वैसा, वो वाली चीज़ बहुत रहती होगी आपके अंदर, है ना। बेस्ट डिस्कवरी, हमेशा ही सवाल मन में चलते रहते होंगे। ओके, तो क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हो, क्या कुछ ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं नेक्स्ट मंथ में। सो क्लियरली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, भर भर कर ऑप्शंस मिलने सामने आने वाले हैं आपके। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, लेकिन आपके साथ दिक्कत ये हो रही है कि आप थोड़े से कन्फ्यूज होगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, उसके साथ में फैमिली बनाना चाहते हो और प्लानिंग कर रखी है आपने, लेकिन शायद उसकी तरफ से कुछ दिक्कत होगी। ठीक है, तो ऐसे में आपकी शादी लेट हो रही है और आपके सामने ऑप्शंस कई सारे आ रहे हैं, तो उनको, हालांकि आप उनको कंसीडर नहीं करना चाहते, लेकिन जब आप इनकी तरफ देखते हो और आपको लगता है कि पता नहीं क्या होगा फ्यूचर, तो आप थोड़े से परेशान हो जाते हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी ना हो और वो भी ना हो। ठीक है, ये चीज़ है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो बेशक किसी तरीके का डिसीजन आपको लेना है, जिसको लेकर थोड़े से मुझे परेशान आप दिखाई दे रहे हो, क्योंकि एक तरफ आपका दिल जाएगा, दूसरी तरफ आपका दिमाग जाएगा, ये चीज़ें होंगी आपके साथ। ठीक है, लेकिन ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं। अगर अनमैरिड हो तो हाँ, और अगर मैरिड हो तो ऑप्शंस इस तरीके से होंगे कि अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो भाई आप इस मैरिज को छोड़ो, क्योंकि दूसरे ऑप्शंस हैं, उनके बारे में आपको सोचना है, कुछ इस तरीके से बातें होंगी आपके आसपास। ठीक है, तो आपको ना एक तरीके से ऐसे लगेगा जैसे आपकी खुद की किस्मत आपको धोखा दे रही है, या फिर लोग आपको धोखा दे रहे हैं, या फिर क्या है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सुलझी हुई नहीं है, जैसे नहीं मिस्टीरियस सी लाइफ वो लगेगी आपको। कुछ कुछ है, सब कुछ सीधा साधा, लेकिन आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो सवालों में घिरे रहेंगे और डिसीजन कैसे लेना है, क्या करना है, वो समझ में थोड़ा नहीं आएगा, बंधा हुआ सा महसूस करोगे। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कहीं पे कुछ अटका हुआ है जिसकी वजह से कुछ आगे बढ़ नहीं पा रहा। सो अक्टूबर में अगर मैं देखूँ तो हाँ, ब्लेसिंग्स यही हैं कि अच्छे अच्छे रिश्ते आपके लिए आएंगे, ढेर सारा प्यार आपको मिलेगा, ढेर सारा पैसा मिलेगा, नए जॉब के लिए ऑफर्स आ सकते हैं, इंटरव्यूज़ आप दे सकते हैं, एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, सब कुछ है यहाँ पर, लेकिन एक कमी सी हो सकता है, वो आपको खलेगी। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से कुछ नहीं है, यूनिवर्स की तरफ से तो भर भर कर चीज़ें आ रही हैं, लेकिन आप थोड़े से कन्फ्यूज मुझे दिखाई दे रहे हो, और ये कन्फ्यूजन इसलिए भी हो सकता है कि मुझे बेस्ट चाहिए, और बेस्ट क्या है वो पता नहीं। ओके, तो आपके लिए ना मैं गाइडेंस देखना चाहूँगी,
क्योंकि आप सच में बहुत परेशान दिख रहे हो मुझे इन अक्टूबर। यानी कि है बहुत कुछ, लेकिन हम क्या लें, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन वाली बात हो गई है ना। जैसे कुछ ब्लेसिंग्स आती हैं तो उसमें ऐसा नहीं है डिसीजन आपको लेना है। यहाँ पर ऐसा है कि जैसे नहीं कहते छप्पर फाड़ कर मिल गया, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप खुश होएं या रोएं। ठीक है, ये वाली चीज़ है आपके लिए। तो लेट्स सी क्या गाइडेंस आता है। ओके, तो यहाँ पर पहला कार्ड तो ये आया है, सीधा बताया जा रहा है कि जो भी आपने बोया है ना, उसकी फसल आपको मिलने वाली है। जो भी मेहनत आपने करी है ना, उसका फल आपको मिलने वाला है। गाइडेंस चाहिए मुझे। यस, आपको प्लान्स बनाने हैं और फोकस करना है। ठीक है, ये करना है, मतलब जल्दबाजी में हाँ या ना नहीं बोलना है। जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं उनको आने दो, सोचो समझो, बेहतर प्लानिंग करो, उसके बाद ही कोई जवाब आपको देना है या एक्शन लेना है। जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ढेर सारे ऐसा भी होता है, ढेर सारे ऑप्शंस आए और फिर ढेर सारे निकल भी लिए। तो आपको सही समय पर सही एक्शन लेना है, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके मन में डर हो किसी तरीके का, और आप उसको इंट्यूशन समझ लो कि मेरी इंट्यूशन ये कह रही है कि कुछ खतरा है। खतरा है कुछ नहीं, लेकिन हो सकता है आपको लगने लग जाए। तो इन चीज़ों से बचे रहना, क्योंकि थोड़ा सा गार्डेड तो रहते हो आप। वही चीज़ है कि कोई आपका फ़ायदा ना उठा ले, क्योंकि लोगों ने किया होगा आपके साथ, इमोशनल हो ना आप बहुत, तो किया होगा लोगों ने आपके साथ, तो वो चीज़ आपके मन में बैठ गई है। अब कोई भी नई चीज़ आपको मिलती है तो डर बैठ जाता है कि पता नहीं ये फ़ायदा ना उठा लिया जाए मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि जब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो हो सकता है आप थोड़े से परेशान हो जाए, ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसे कैसे एक साथ इतना सब कुछ मिल रहा है। तो जल्दबाजी में आप कुछ ऐसा कर दो जिसके लिए बाद में पछताओ, वो मत करना। ठीक है, टाइम लो और फिर देखो। अब मैं यहाँ पे कुछ सवाल पूछ रही हूँ, आपको नहीं पूछना, मैं ही पूछूंगी। एंड लेट्स सी क्या आता है आपके लिए जवाब। ओके, नो अपॉर्चुनिटी मैं बोल रही थी ना, बिग हैप्पी चेंजेस, डोंट से नो टू बिग हैप्पी चेंजेस। ओके, ये जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं इन्हीं की वजह से बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे, डोंट से नो। ठीक है, सिचुएशन विल इम्प्रूव, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर अभी नहीं चल रही हैं ठीक, ठीक हो जाएंगी। ऑल राइट, फेस द पेन। आपसे कहा गया है कि दर्द को फेस करना सीखो। हो सकता है ये डर आपके अंदर रहता हो कि पेन ना हो, पेन ना हो, पेन ना हो, और उसे ही आप अट्रैक्ट कर लेते हो। ठीक है, तो आपसे कहा गया है कि दर्द को सहना सीखो। दर्द आएगा, ठीक है, कोई नहीं, आने दो। ऐसा वाला अगर आप एटीट्यूड रखते हो ना खुद का, तो सबसे बाहर निकल आओगे। अब जैसे मेरा सवाल था यहाँ पर कि क्या किसी से सेपरेशन होने वाला है, यहाँ पर कार्ड आया है नो। ठीक है, और यहाँ पर ये भी आया है कि नो कहना भी नहीं है किसी अपॉर्चुनिटी को, बट यहाँ पर फेस द पेन कहा गया है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसी डर की वजह से वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हो जो कि शायद आपको नहीं चाहिए, और पहले भी आपके साथ ऐसा हुआ है। हालांकि आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हो, ये तो मैं देख पा रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये गलतियाँ करते हो आप, पता नहीं क्यों। ये लो, मैं कार्ड शफल भी नहीं कर पाई, तो इस डर से बाहर निकल आओ। ठीक है, दूसरा ये कि मुझे सब कुछ पता है, ये चीज़ भी गलत है। किसी को सब कुछ नहीं पता होता हमेशा, तो खुद को परम ज्ञानी मत समझो। अगर कोई कुछ समझा रहा है तो उसको सुनो। ओके, ऑल राइट, ओम मणि पद्मे हम का चैंट किया करो आप लोग। ठीक है, और कुछ नहीं, बस इतना कर लो। ओके, अब यहाँ से देख लेते हैं क्या कुछ आपको मिलने वाला है अक्टूबर में। जो मैं बोलती हूँ ना, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, उसका आपको चैंट करना है। यहाँ से भी ब्लेसिंग्स देखेंगे हम। लेट्स सी, और मंत्रा मैं आपसे और भी शेयर करूँगी, लेकिन ये मंत्रा मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। कॉल आपको मिल सकती है, जैसे कि मैंने कहा ही था, न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत होगी, अबंडेंस। ठीक है, ढेर सारा अबंडेंस आएगा, न्यू बिगनिंग होगी, और कॉल आपको मिल सकता है। मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है आपने कोई इंटरव्यू दिया हो, वहाँ से आपको कॉल मिले, या फिर जो भी हो, जो भी हो, पर्सनल लाइफ को लेकर हो।
ढेर सारा पैसा मिलेगा, ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल करने के लिए गुड रिलेशनशिप आपको मिलेगा, ओके, एन अट्रैक्टिव स्पाउस आपको मिलेगा, ये पहले वाले पायल में भी थे, ब्लिस, ओके, एंड ड्रीम विल कम ट्रू, जो आपका सपना है वो पूरा होगा, सब कुछ मिल रहा है आपको, नॉलेज आपको मिलेगी, कुछ सीखेंगे आप नया, मैरिज विद योर लव, बैलेंस, एंड यहाँ पर है ट्रू बेस्ट फ्रेंड, आपको ये सब कुछ मिलने वाला है, एंड आपने देख ही लिया और यहाँ से मंत्रा भी मैं निकाल के देती हूँ आपको, ओके, देखते हैं कौन सा मंत्र आया है, ओके, ये मंत्र है आपके लिए और आई थिंक यही सेम, ओके, ओम आया है आपके लिए, ठीक है, सो ये दो मंत्रास हैं आपके लिए, तो आपको तो सब कुछ मिल रहा है गाइस, आपके लिए चिट भी वही आई हैं, कार्ड्स भी वही आए हैं, लेकिन खुद आपके लिए मुझे लग रहा है कि आप खुद रोक लगा रहे हो, ठीक है, तो इस एनर्जी से बाहर निकल आओ, सवाल जवाब बहुत होते हैं, ओवर थिंक कर लेते हो, तो ये सही नहीं है, इस एनर्जी से बाहर निकल आओ। तो गाइज ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग, अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और रेजोनेट करी है रीडिंग तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।